Hello guys, welcome back to my channel. I am Gauri Manchanda and today in this video we are going to be discussing about pilot medical exams. Now, aaj ki setting maine thodi informal rakhi hai and my first advice for anyone who is an aspiring pilot is that aap class 12th mein apna process pilot medical exams ka start kar sakte hai. So you have to start with your initial class 2 medical exam and then your class 1 medical exam. ना मेडिकल्स एक पायलट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यू हैव टू बी मेडिकली फिट, यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड फॉर द सेफ्टी ऑफ योर पैसेंजर्स एंड दैट इज़ वाई पायलट मेडिकल्स आर सो इम्पॉर्टेंट. एंड ये आपकी पूरी पायलट बिकमिंग हाउ टू बिकम अ पायलट सीरीज़ का स्टेप नंबर वन होना चाहिए बिफोर बिगनिंग योर सर्च फॉर अ फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल और इवन स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द ग्राउंड एग्जाम्स, द DGCE एग्जाम्स. यू शुड बी मेडिकली फिट बिकॉज अदरवाइज ऑल योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी विल गो टू वेस्ट. So my first advice is that this is your number one priority. Now let us begin with the process. The first medical exam which you guys need is initial class 2 medical exams. इसके लिए आपको DGCA medical website पे जाना पड़ेगा, DGCA website पे, and उसमें आपको DGCA के class 2 medical doctors के name मिलेंगे. Now according to your location and your availability, you can call the doctor on phone or email and get your appointment fixed. Now let us talk about the type of exams that they will get. That will get conducted वहाँ पर basically. So they will first of all ask कि आपको थोड़े NABL and NABH certified lab से test करा के लाने होंगे. Now that will be blood and urine test and any specific test that the doctor will tell you about. उसके अलावा certain tests are being conducted which are your physical exams which is your height, weight, BMI. Now BMI is important. BMI आपका 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर आपका 25 से ज़्यादा है या 20 से कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एग्जाम फेल कर लिया. इसका जस्ट ये मतलब है कि अब आपके थोड़े एक्स्ट्रा टेस्ट कंडक्ट होंगे टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ओके. इसके अलावा BP टेस्ट होता है. द नेक्स्ट टेस्ट इज़ योर आई टेस्ट. ना इसके लिए बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं. आर स्पेक्स अलाउड, इज लेसिक आई सर्जरी अलाउड. सो माई आंसर फॉर यू इज इट इज़ अलाउड. अगर आपकी आई साइट 6x6 विद यूज़ ऑफ स्पेक्स और लेसिक आई आ रही है देन इट इज़ कम्प्लीटली अलाउड. बट अगेन फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट योर स्पेसिफिक डॉक्टर. कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड जिसमें दे विल गिव यू अ बुक एंड उसमें डॉट्स के हिसाब से दे विल बी सर्टेन नंबर्स एंड आप वो इजिली वहाँ मेकआउट कर सकते हो. समवन विल सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे विल आस्क यू कि यहाँ क्या नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द शेप जो मैंशनड है. सो यू विल बी एबल टू डू इजिली. द नेक्स्ट इज योर ENT टेस्ट, द नेक्स्ट टेस्ट और ऑडियोमेट्री टेस्ट. सो जो ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है इसमें आपको एक स्पेसिफिक ईयरफोन पहनाया जाएगा एंड या तो लेफ्ट या राइट ईयर पे आपकी एक वॉइस आएगी एंड द सामने जो डॉक्टर बैठा होगा ही विल आस्क यू इज इट कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट साइड. यू हैव टू सिंपली आंसर दैट एंड योर टेस्ट विल बी डन. द नेक्स्ट टेस्ट इज योर ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट जो आप करा कर रिपोर्ट्स लेके जाओगे. इसके अलावा चेस्ट एक्सरेज डन एंड ECG इज कंडक्टेड. नाउ ये जब आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे तो आपके 3 रिजल्ट आएंगे. आइदर यू विल बी टेम्परेरली अनफिट और यू विल बी परमानेंटली अनफिट और यू विल बी कम्प्लीटली फिट. बेस्ड ऑन दैट आपको CA35 फॉर्म मिलेगा फ्रॉम योर डॉक्टर. ना ये सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू EGCA वो DGCA को भेजेंगे आपके पर्टिकुलर डॉक्टर या फिर वो आपके डॉक्टर जो है वो DGCA को फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे. और डिपेंडिंग ऑन सबका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस 1, 2, 3, 4, 5 महीने भी लग जाते हैं टू गेट योर DGCA क्लास 2 मेडिकल असेसमेंट विच विल लुक समथिंग लाइक दिस. ना आपको जब भी असेसमेंट मिल गया तो इसमें PMR नंबर एंड फाइल नंबर मैंशन होता है. ना जो PMR नंबर एंड फाइल नंबर होता है इसका मतलब होता है बेसिकली अब आपका DGCA में एक कॉलम बन चुका है स्पेसिफिक एंड अब आपकी लाइफ के सारे मेडिकल हिस्ट्रीज इस कॉलम में इस फाइल नंबर में सेव होंगे. सो ये फाइल नंबर के बेसिस पे ही अब आप क्लास 1 इनिशियल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वैलिडिटी के बारे में अगर हम बात करें तो क्लास 2 मेडिकल एग्जाम 2 साल के लिए वैलिड होता है एंड क्लास 1 मेडिकल एग्जाम इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर्स. इसके बाद अगर आपको क्लास 1 मेडिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपको 2 ऑप्शन हैं. या तो आप AFCME विच इज़ FO सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट से आप अपना क्लास 1 करा सकते हैं या फिर आप अपना क्लास 1 सिविल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट से करा सकते हैं विच आर बेसिकली योर हॉस्पिटल्स. उनका प्रोसेस अगेन सेम होता है. आपको ऑनलाइन जाना है, आपको देखना है क्लास 1 मेडिकल कौन से हॉस्पिटल्स कंडक्ट करते हैं. आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे. दे विल आस्क यू टू कम एंड वॉट आई हैव हर्ड, मैंने अपना AFCME में कराया था बट सिविल का वॉट आई हैव हर्ड इज़ यू डू नॉट हैव टू कैरी एनी रिपोर्ट्स. इट्स अ हॉस्पिटल सो इट विल गेट एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड देयर फॉर यू गाइस. AFCME का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है.
AFCMA के लिए या तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, या अगर आप DGCA ऑफिस विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे किसी ऑफिसर की हेल्प से भी अप्लाई करा सकते हैं। अ सर्टेन डेट विल बी गिवन टू यू एंड आपको उस डेट पे AFCMA पे रिपोर्ट करना होता है। नाउ आपको जब यहाँ पे रिपोर्ट करना है, सो माय सजेशन विल बी टू कैरी ऑल योर रिपोर्ट्स, इवन दो आपकी क्लास 2 मेडिकल रिपोर्ट्स अब शायद वैलिड ना हो, फिर भी कैरी देम फॉर योर हिस्ट्री पर्पसेस। इफ दे कैन दे विल आस्क फॉर इट देन इट शुड बी अवेलेबल विद यू गाइस। उसके बाद आई विल आंसर सम कॉमन डाउट्स फॉर यू गाइस। द फर्स्ट डाउट इज अबाउट रिगार्डिंग द हाइट। नाउ पायलट की हाइट शुड बी फ्रॉम 5 feet 2 inches, इससे ज़्यादा ही प्रेफरेबल होती है, बट यहाँ से आई थिंक इट शुड बी गुड फॉर यू गाइस। पायलट की हाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज़ बिकॉज आपको अपना कंट्रोल पैनल टच करने के लिए यू शुड हैव सर्टन आर्म लेंथ, यू शुड हैव सर्टन लेग लेंथ टू टच द रडर पेडल्स। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड दिस इज़ व्हाई हाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। नाउ ऑनेस्टली आई वुड सजेस्ट इट्स अ बैड हैबिट एंड यू गाइस शुड क्विट इट, बट the ultimate result is if it is showing in your blood and urine tests, and I think chest x-ray test maybe it is visible in your lungs if you are smoking, so it's a bad habit, try to quit it, but agar aapki un reports mein show hoga then it will cause a problem for your class 1 and class 2 certificate. I hope this video helped you guys out. Please don't forget to like and subscribe to my channel and thank you for watching. This is going to the DGCA collecting your class 2 medical assessment and fir aap hey. Nope.